सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं रोहन मगानिया। तो भाई आज आपको फ्रेम में दिख रही होगी एक तरफ अपनी बलेनो, एक तरफ अपनी कुशाक। भाई कहोगे यार क्या इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बस भाई ये फन पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो भाई दोनों की मैं आपको स्पेक्स की बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं अपने आरब भाई के कुशाक की। ये आती है 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ TSI। इसकी हॉर्स पावर 114 और टॉर्क इसका 178 Nm। मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आती है। और दूसरी अपनी बात कर ले बलेनो की, तो भाई बलेनो आती है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 89 और टॉर्क इसका 118 Nm। अब ये भी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है। भाई कुशाक सबको पता है, भाई आर भाई की वीडियो में देखा ही होगा सबने कि भाई लैग मार देती है लॉन्च में, कभी कभार हो जाता है कि बढ़िया हो जाती है। बाकी वेट का भी बहुत डिफरेंस है, ये अपनी 1250 किलो की है और ये अपनी 1035 किलो की है, तो भाई 215 किलो का फ़र्क है। और भाई ने आफ्टर मार्केट अलॉय भी लगवाए हैं इसमें 17 इंच के, और इसमें स्टॉक 16 इंच के आते हैं, टॉप मॉडल अल्फा वेरियंट है। तो इनकी करेंगे अब ड्रैग रेस और देखते क्या रहते रिजल्ट। बाकी आरब भाई से पूछते हैं, वैसे पूछने की जरूरत नहीं, पता ही है। पता है अपनी बलेनो जीतेगी, 200 किलो हल्की है, एरोडायनामिक ज्यादा है, 200 cc अबव है, लैग नहीं है इन्हें में, कंफर्म है भाई बलेनो कंफर्म है। भाई ने तो कुछ उल्टा ही कह दिया, पैरेलल यूनिवर्स में चले गए आरब भाई अपने। तो भाई अब करते हैं इनकी ड्रैग रेस और आपको दिखाते रिजल्ट। तो भाई आ गए अपने पहले राउंड में, और अमन भाई बेल्ट लगा लो, ट्रैक्शन इसका कर देते हैं ऑफ। मोड इसमें कोई आता नहीं है ना, मोड अपनी कोई कुशाक में आता। भाई ट्रैक्शन ऑफ कर लो, करते हैं पहला राउंड और आपको दिखाते रिजल्ट। लो भाई अमन भाई चलो जी। अपनी रेंज की गाड़ी है भाई, कुशाक भाई जीत जाती है उससे, तो बलेनो का तो कोई कंपटीशन है नहीं। बट स्टिल ये देख लो कि 100 के बाद निकली है तो कितना फर्क है। करते भाई सेकंड राउंड, थोड़ी एडवांटेज देते हैं, एसी ऑन कराते हैं, ट्रैक्शन ऑन कराते हैं उसका, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। और आखिरी राउंड में अकेला मैच बैठ जाऊंगा इसमें। जीत गई भाई कुशाक। नहीं कुछ भी नहीं, एक काम करो एसी ऑन कर लो, ट्रैक्शन ऑन कर लो, ठीक है करे। भाई लैग देखो, लैग कितना आ गया भाई, और उसमें एसी में भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ये 90 पे क्रॉस कर गई इस बार, तो लो और जल्दी कर गई ये तो भाई, क्या यार। फिर भी भाई रिजल्ट तो देखो पता ही थे, वो तो आराम मजाक कर रहा था एक से कि बलेनो जीतेगी भाई, शाग ने जीता भाई, पावरफुल गाड़ी हो जा रहा, टॉर्क हो जाता है, टर्बो उसमें जाता है, जर्मन इंजीनियरिंग है, देख लो भाई इतना ही कुछ फर्क रहता है ऐसी। अब आखिरी राउंड में काम करते हैं, मैं अकेला बैठ जाता हूँ इसमें, थोड़ी वेट एडवांटेज देते हैं इसको अपने बलेनो को। हाँ हाँ ठीक है, इस बार भी 90 पे ही कर गई, तो एक जने को अपने पास बिठा लो, मैं अकेला बैठ जाता हूँ इसमें, ठीक है। हेलो हाँ हेलो, जीतना भाई उसी नहीं है, फिर भी भाई अब 90 पे निकल गया तो 100-110 पे निकल जाएगी, यही फर्क रहेगा। एसी ऑन भी रखना, ट्रैक्शन भी ऑन रखना, ठीक है, फुल एडवांटेज देते हैं बलेनो को। बाकी तो भाई ड्रैग में तो भाई वही जीतती है भाई, अगर आप फेयर करो तो वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसमें 3 जने बैठ गए हैं। अपनी बलेनो आगे 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 आगे, मुझे लग रहा है इस राउंड में जीत सकती है, बस अगर उसका थर्ड लग गया। वो देखो आ रही है, वो आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, 120 130, भाई नहीं आ पाई भाई आगे, 130 तक तो नहीं आ पाई आगे भाई उसमें तो अपनी भाई आखिरी में तो भाई यही जीत गई बलेनो। पूछते हैं भाई से कहीं कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो एक राउंड और करेंगे लास्ट। फिर भाई इसमें तो बलेनो विनर है, 130 तक यही आ गई थी, ड्रैग की विनर अपनी बलेनो है अगर एडवांटेज देते तो। ऐसा तो फेयर करो तो भाई कुशाक ने जीतना है, एनी डे एनी ड्राइवर कुछ भी हो भाई, 130 तक तो यही आ गई थी, उसके बाद ही निकल रही थी,
लास्ट करते एक बार दोबारा लॉन्च में तो कोई दिक्कत नहीं थी। लॉन्च ट्रैक्शन ऑफ में लॉन्च होगा नहीं है तो फिर रोलिंग में देखो। रोलिंग तो भाई वही जीतनी है टर्बो में। करना है यहाँ से रोलिंग लास्ट राउंड देख लो, करना है तो ट्रैक्शन कर लेते एक बार और उसमें ट्रैक्शन ऑफ कर लेते। ट्रैक्शन ऑफ करो। हाँ चलो नहीं नहीं ट्रैक्शन ऑफ कर लो खाली। तो भाई लास्ट राउंड बिल्कुल कर रहे हैं अब। ट्रैक्शन ऑफ कर दिया उसका और इसका भी ऑफ ही है, बाकी इसका एसी ऑन है। चलो जी और तीन जने उसमें बैठे ही हुए हैं, वेट एडवांटेज है ही ब्लैनों को। 3 2 1 देखो भाई देखो 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 ब्लैनो ही जीत रही है भाई। गैप बना रखा भी तो एक गाड़ी का, अभी तो एक गाड़ी का गैप है। पोशाक कवर नहीं कर पा रही भाई। ब्रेक ले ली आरम ने, 140 अपनी गाड़ी भी पहुंच गई थी भाई। देख लो भाई अगर तीन जने बिठाते हैं उसको तो ट्रैक्शन भी ऑफ कर दिया था उसके बाद तो भाई ब्लैनो जीतते क्योंकि वेट एडवांटेज बहुत मिल जाता है भाई। ऐसा ही था भाई इनका कुछ रिजल्ट। वरना अगर फेयर करो तो भाई बार बार मैं तो यही कहूँगा कि भाई कुशाक नहीं जीतना है, वो तो सबको पता ही है। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भाई अगर फेयर ड्रैग रेस करते तो भाई उसमें ऑफकोर्स कुशाक ने विनर रहना है क्योंकि भाई पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, गाड़ी एक सेगमेंट ऊपर की है, टर्बो चार्ज है, जर्मन इंजीनियरिंग है, ज़्यादा जितने इसके फ़ायदे गिनवाओ उतने कम है। दूसरा भाई ब्लैनो की बात करें ना तो अगर ब्लैनो ने भाई अपने पावर स्पेक्स के हिसाब से बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दिया जब हमने इसको वेट एडवांटेज दिया। जब इसका एसी ऑन ट्रैक्शन ऑन कर तब भी 110 120 के बाद निकल रही थी, फिर भी देख लो भाई ब्लैनो ने बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे दिया। वेट एडवांटेज कह लो इसको या एन इंजन कह लो मारुति का वही है। क्यों आ रहा भाई आपका क्या ओपिनियन है? तो भाई पैरेलल यूनिवर्स से वापस आ गया अभी। तो भाई यही था कुछ रिजल्ट। और वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को, अपने आरव भाई को और अपने यश भाई को। तो ठीक है गाइज मिलते जल्दी अगली वीडियो में।